दोस्तों, बहुत ही पुराने जमाने की बात है। आइए एक नज़र आज के दौर पर डालते हैं। पूरी दुनिया कोरोना से ग्रसित है, पर हम कितने मासूम हैं जो लॉकडाउन की खबर सुनते ही गुटखे की कीमत 5 से 7 रुपये कर देते हैं, जो डॉक्टरों द्वारा विटामिन सी अधिक लेने की कहने पर 50 रुपये प्रति किलो का नींबू 150 रुपये प्रति किलो बेचने लगे। हम कितने मासूम हैं जो 40-50 रुपये का बिकने वाला नारियल पानी 100 का बेचने लगते हैं, जो मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी सुनते हैं तो ऑक्सीजन की कालाबाजारी शुरू कर देते हैं। पर हम कितने मासूम हैं जो दम तोड़ते मरीजों की दुर्दशा देखते हैं तो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करनी शुरू कर देते हैं, जो अपना ईमान बेचकर इंजेक्शन में पैरासीटामोल मिलाकर बेचने लगते हैं। पर हम कितने मासूम हैं जो डेड बॉडी लाने के नाम पर पानीपत से फरीदाबाद तक के 36,000 रुपये मांगते हैं, जो मरीज की दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा स्थित किसी हॉस्पिटल में पहुंचाने की बात करते हैं तो एम्बुलेंस का किराया 10 से 15 हज़ार मांगते हैं। हम कितने मासूम हैं? क्या वास्तव में हम बहुत मासूम हैं या लाशों का मांस नोचने वाले गिद्ध हैं? गिद्ध तो मरने के बाद अपना पेट भरने के लिए लाशों को नोचता है, पर हम तो अपनी तिजोरियां भरने के लिए जिंदा इंसानों को नोच रहे हैं। कहाँ लेकर जाएंगे ऐसी दौलत या फिर किसके लिए, कभी सोचा है आपने? एक बार सोचना जरूर, एक दिन हिसाब सबको देना पड़ेगा, जनता की अदालत में नहीं तो ईश्वर की अदालत में। हिंदुस्तान को आज कोरोना नहीं मार रहा, बल्कि इंसान ही इंसान को मार रहा है। जरा इस बात पर गौर कीजिए और सोचिए कि हम कितने मासूम हैं। धन्यवाद।